भैया हम फिर हाजिर हैं प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 का एक और वीडियो लेकर भैया, जिसमें आज हम हराने वाले हैं ज़ॉम्बी बॉस को, वो भी फॉर फ्यूचर के। ओए क्या बात है, एक और ज़ॉम्बी बॉस से सामना, मजा आ जाएगा। कौन से लेवल पे पहुंचे थे हम? भैया हमने पिछले बार 16 लेवल पार कर लिया था, इस बार 17 लेवल से खेलना है हमको भैया। ओए तो देर किस बात की, चल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 17 लेवल में हमको क्या चैलेंज मिलता है। ओ यहाँ तो काफ़ी कलरफुल टाइल्स हैं, ये ट्रायंगल वाला 3 है, ठीक है इसके हिसाब से हमको टारगेट लेना पड़ेगा। देखते हैं इस बार क्या होता है, सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक विद द गिवन प्लांट्स। ओके ओ इसमें मैग्नीफाइंग ग्रास है, ओके इस बार पहला यूज़ करने दे रहा है मुझे। ओए तुझे नहीं मालूम, ये सब हम पहले से खेल चुके हैं, हमको मैथ सिखा खेलना कैसे, चल आगे बढ़। हाँ भैया इसे हम पहले खेल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। इस बार सिंपल ही ज़ॉम्बी है जो हर बार आते हैं भैया, तो इस बार टारगेट देते हैं और पहले से मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो बीच में लगा हुआ है भैया। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, सनफ्लावर बहुत सारे लेने पड़ेंगे भैया, और जो प्लांट्स दिए हुए हैं इसमें सनफ्लावर और ट्विन सनफ्लावर दोनों है भैया। इसके अलावा एक इन्फिनिट है वो भी ठीक है भैया, और एक ईएम पंच है भैया। ओए ईएम पंच नहीं, ईएम पीच होता है, ठीक है चल ठीक है इसको फ्रीज करते हैं। पहले थोड़े सनफ्लावर तो इकट्ठा कर लें, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे, ठीक है अभी तो सिंपल सिंपल सन मिल रहे हैं। अभी एक काम करते हैं कि ये ट्विन सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं, तभी हमें ज़्यादा ज़्यादा सन मिलेंगे, और इसको भी तो लगाना पड़ेगा। इस ज़ॉम्बी को फ्रीज तो कर दिया, अब इसको रोक के रखते हैं, ठीक है तब तक हमको और सनफ्लावर मिलेंगे। अब मैं ट्विन सनफ्लावर लगाना चालू करता हूँ, और हमको इन पे प्लांट फूड भी लगाना पड़ेगा ताकि हमको बहुत सारे सन मिलें, ठीक है इस ट्रायंगल पे मैंने लगा दिया है, अगर किसी एक में भी हम प्लांट फूड डालेंगे तो अटैक और सन दोनों देगा, तो इस हिसाब से सही बैठ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसमें ज़्यादा अटैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर जगह बस एक एक हमें ये लगाना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्रास, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और बस ज़्यादा हुआ तो इन्फिनिट सामने लगा देंगे। ठीक है भैया ऐसा ही करते हैं, और खाली खाली जगह पे ये ट्विन सनफ्लावर लगाते जाते हैं भैया, ताकि हमको सन की कमी ना हो। और जो छोटे छोटे ज़ॉम्बी हैं, सिंपल ज़ॉम्बी हैं, वो तो केवल इसके एक ही वार में ख़त्म हो जाते हैं, तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया देखिए, और सब में ये इन्फिनिट भी लगा देते हैं ताकि सब रुके रहें। अब ठीक है, वो बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास गलती से लग गया था, तो हर जगह हमें ये ट्विन सनफ्लावर लगाने पड़ेंगे ताकि हमको बहुत सारे सन मिलते रहें। देखिए अब ठीक है, जब चाहे हम इन्हें अटैक करके मार सकते हैं भैया, आप बोले तब टैप कर देंगे भैया। ओए मुन्ना अभी नहीं, अभी तो सन भी कलेक्ट नहीं हुए हैं, थोड़े सन तो आ जाने दे तब इनके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे जैसे ज़ॉम्बियों का लेवल बढ़ता है इनमें ज़्यादा अटैकिंग करना पड़ता है, तब जाके ये कहीं मरते हैं। हाँ भैया ऊपर देखिए बके हेड भी आ गया है भैया, इसको मारने के लिए तो और ज़्यादा सन की ज़रूरत पड़ेगी ना। ओए कर तो रहे हैं, देख तो रहा है हर जगह सनफ्लावर लगाते जा रहे हैं, उनमें लगाने में भी काफ़ी सन लगता है, तो एक बार काफ़ी सारे सनफ्लावर हो जाएं उसके बाद फिर हमें कमी नहीं होगी। देख जैसे इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ किया तो तुरंत इसने खूब सारे सन दे दिए हैं, ऊपर से अटैकिंग प्लांट तो अटैक कर ही रहे हैं। हाँ भैया देखिए एक और प्लांट फूड मिला है, दो दो प्लांट फूड हो गए भैया, तो तुरंत इनके ऊपर अटैक करता है। देखिए भैया वाह बहुत अच्छे से पोजीशन करके रखा है भैया, यानी दोनों काम हो रहा है, सन भी हमको मिल रहा है और साथ में अटैक भी हो रहा है भैया। ओए ये हुई ना बात, अब सही है, अब देख हमारे पास इतने सारे सन हो चुके हैं कि हाँ हर ज़ॉम्बी को आराम से हम मार सकते हैं, हर जगह मैग्नीफाइंग ग्लास भी लग चुके हैं और साथ में प्लांट फूड भी मिल गया है, ये ठीक है। उड़ने वाले ज़ॉम्बी आ रहे हैं, आ कितने देर में आएंगे, सबको मारेंगे हम, एक टैप में तो मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया देखिए इतना जल्दी ये लेवल भी ख़त्म होने वाला है। देखिए ये आखिरी में अब एक ह्यूज वेव आने वाली है, बस फिर ये लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए तुरंत ही एक प्लांट फूड यूज़ किया भैया, और तुरंत ही सामने वाले सभी ज़ॉम्बी जल के मर गए हैं। बहुत बढ़िया भैया, अब बस फाइनल वेव आएगी, उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास दो दो प्लांट फूड है भैया, और साथ में 1900 सन हो चुके हैं, खूब सारे सन भी हो चुके हैं और अटैक भी हो चुका है भैया। वाह मज़ा आ गया, ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा भैया, बस ये दो मशीन बाकी है, ये दो मशीन ख़त्म हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए लगातार अटैक करके उन्हें ख़त्म कर दिया, बस ये मशीन बाकी है और इसके बाद ये भी ख़त्म हो गया भैया। वाह इसके साथ ये लेवल भी हो गया, यानी डे 17 ख़त्म हो गया भैया, और रिवॉर्ड में हमको ये मैग्नीफाइंग ग्लास मिला है। वाह ओए मुन्ना इसी का इंतजार था, अब तो देखते जा कि आगे वाले जो लेवल्स हैं बहुत इजी से हमारे हो जाएंगे, अभी तक हम खेल रहे थे लाइटनिंग रीड के साथ में, लेकिन अब मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ खेलेंगे तब मजा आएगा,
प्रोड्यूस एटलीस्ट 6000 सन्स। ओके, हमको इस तरीके से करना है कि हमको 6000 सन कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले सनफ्लावर लगेंगे, ट्विन सनफ्लावर लगेंगे। तो अब वेट करते हैं, वॉलनट ले लेते हैं इसको रोकने के लिए, बोंग चॉय भी ज़रूरी है, इसको भी ले लेते हैं, आइसबर्ग लेटिस ले लेते हैं। अब देखते हैं, अब मैग्नीफाइंग ग्लास की बारी है, अब मज़ा आएगा इसके साथ खेलने में, तू देखता जा। और मशीनों को रोकने के लिए ईएम पिच ले लिया, बस इतना ही काफ़ी है। अब इनको कैसे मारना है मुझ पर छोड़ दे। तो सबसे पहले सनफ्लावर लगाया, अब वेट करते हैं एक और सन आने दे। अब दूसरा सनफ्लावर भी लगा लेते हैं, इतने कलेक्ट होने चाहिए कि हम ट्विन सनफ्लावर लगा पाएँ। ठीक है, अभी इसमें दो ह्यूज वेव आने वाली है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमारे पास तीन सनफ्लावर हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगना चालू करते हैं और खाली जगह पे फिर से सनफ्लावर रखते हैं। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। देखिए, एक जगह पे मैग्नीफाइंग ग्लास लग चुका है, अब यहाँ पर सनफ्लावर भी लग गए हैं, 5 के 5 सनफ्लावर लग चुके हैं भैया, अब क्या करना है? ओए, अब बारी है ट्विन सनफ्लावर की, तो ये रखा ट्विन सनफ्लावर। ठीक है, अब और मेरे पास सन इकट्ठा होने दे, फिर हम ट्विन सनफ्लावर और रखेंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी रख दिया, दो जगह मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास हो चुके हैं, एक जगह वॉलनट रख दिया, अभी तीसरे जगह भी मैग्नीफाइंग ग्लास लग दिया है, ये ठीक है। अब यहाँ पर ट्विन सनफ्लावर रख देते हैं, अब हमको लगातार ट्विन सनफ्लावर रखने पड़ेंगे ताकि हमें सन की कमी ना हो। और वैसे भी हमारा एम है 6000 सन कलेक्ट करना, तो उतना तो हमको करना ही है। दो पावर प्लांट पे यानी पावर टाइल्स के ऊपर हम सनफ्लावर रख चुके हैं, और यहाँ गलती हो गई कि उस जॉम्बी के बहुत पास में मैंने एक रख दिया, पर ठीक है कोई बात नहीं, उसे हम कंपनसेट कर चुके हैं। एक वॉलनट रख के उसके पीछे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के। हाँ भैया, अब थोड़ा खेलने में मज़ा आ रहा है, पिछले बार हमने पूरे लाइटनिंग रीड से खेला था भैया, अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि अब हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो चुका है। देखिए, वॉलनट आ गया जो उसे कोन वाले जॉम्बी को थोड़ा बिजी रखेगा। देखिए भैया, हम जब चाहे उसे मार सकते हैं, पर अभी नहीं मारेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे सन्स की ज़रूरत है भैया, और तुरंत तुरंत इन पे ट्विन सनफ्लावर पे रखना ही पड़ेगा भैया, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो, क्योंकि हमको इस लेवल को जीतना ही नहीं बल्कि हमको टारगेट भी पूरा करना है भैया। देखिए, 6000 सन में से हमने 1400 सन कंप्लीट कर चुके हैं भैया, बहुत बढ़िया, आधे टारगेट तक तो वहीं पहुँचे हैं भैया, अभी बहुत दूर है, लेकिन 1/4 तो हो चुका है। ओए सही कहा, 25% पहुँचे हैं अभी, अभी और आगे आना पड़ेगा। देख, जिसकी कमी थी वो पूरी हो गई, यानी कि प्लांट फूड मिला है, ये हुई ना बात। प्लांट फूड मिलने से अब हमें खूब सारे सन मिलेंगे, देख ये देख, जैसे मैंने सोचा था, तुरंत तुरंत हमें सनफ्लावर मिले हैं और खूब सारे सन मिल गए हैं इससे, और अब हो चुका है 2700 सन्स, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, और साथ ही साथ में हमें अटैक करने के लिए बहुत सारे सन मिल चुके हैं भैया, तो हम जब चाहे इन मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर टैप करके उन्हें तुरंत तुरंत मार सकते हैं भैया। और देख ऊपर वाले मशीन को, अभी टैप करके उसे ख़त्म करता हूँ, उससे हमको एक और प्लांट फूड मिलेगा, जिससे कि हमें और सारे सन मिल सकते हैं। तो ये रहा प्लांट फूड, जिसे मैंने तुरंत ही टैप करके इस सनफ्लावर के ऊपर रखूँगा, और देख सब जगह मेरे यहाँ पर वॉलनट भी लग चुके हैं, ये ठीक है। वाह भैया, इतनी जल्दी हम 3700 सन तक भी पहुँच चुके हैं भैया, और प्लांट फूड आपने यूज़ किया, और तुरंत तुरंत ख़त्म होने के बाद में भैया हम 3900 सन पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट 4000 हो चुका है भैया, और पहला ह्यूज वेव आने को है भैया। देखिए, ये पहली ह्यूज वेव आने को है, और काफ़ी सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। ओ ये क्या, ये तो बहुत आगे आ चुका है भैया, ये मशीन तो बहुत ही आगे आ गया था, पर कोई बात नहीं भैया, हमारे पास सन की कमी नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। ओए अब बच्चे, खाली जगह पे भी ट्विन सनफ्लावर रखने पड़ेंगे। मैंने सोचा था पहले बोंग चॉय रख दो उनके पीछे, पर मेरा प्लान बदल चुका है, क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे सन आ चुके हैं कि अब कभी भी इन्हें मार सकता हूँ मैं, बस इनके ऊपर टैप ही तो करना है। तो ये रहा प्लांट फूड, जिससे हमको खूब सारे सन मिल गए, जिससे हम अपने टारगेट के और भी पास पहुँच चुके हैं, 5900 सन हमें मिल चुके हैं, बस 6000 सन और पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया। बस अब बस इन ज़ॉम्बियों को मारना है, बस फिर उसके बाद ये लेवल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला टारगेट पूरा कर लिया। वाह भैया, एक प्लांट फूड और मिला है, उसे संभाल के रखते हैं, ज़ॉम्बी आएंगे तो उनको मारने के काम आएंगे भैया। देखिए, वैसे भी हमने यहाँ पर ये पावर टाइल है उसके ऊपर रखा हुआ है भैया, देखिए जो सब जगह से सन कलेक्ट करके सबको मारता जाता है भैया, जितने भी सनफ्लावर हैं उनसे टारगेट वो कलेक्ट करता है भैया, सन कलेक्ट करता है, पावर कलेक्ट करता है, और तुरंत वो थ्रो करता है इन ज़ॉम्बियों के ऊपर भैया। वाह मज़ा आ गया भैया, तुरंत ही साफ कर दिया सबको, और इसके साथ ये लेवल भी ख़त्म हुआ भैया। वाह, इसके साथ डे 18 ख़त्म हुआ भैया। अब हम उस ज़ॉम्बी बॉस को मारने के और करीब आ चुके हैं, लेवल 25 पे आएगा ना भैया, अभी जो डे 18 है भैया।
ओए सही कहा, अभी काफ़ी लेवल बाकी है, रुक जा अभी उसका भी इंतजाम करते हैं। अभी पहले देखें डे 19 में हमारे पास क्या है, सर्वाइव वाइल द सन बॉम फॉल्स। ओए ठीक है, ऐसे लेवल तो हमने कई बार पार किए हैं, देख लेते हैं इसको भी, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल होने वाले नहीं है। पहले हम वॉलनट ले लेते हैं क्योंकि हमको सनफ्लावर लेना ही नहीं है। उसके बाद बॉन्ग चॉय ले लिया, और सनफ्लावर नहीं लेना है तो टॉयलेट ले लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले लेते हैं। वैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सन तो हमें ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तो हम उसे मारेंगे कैसे। नहीं भैया अभी लाइटनिंग नहीं बन सकता, बस ये सर अभी मिला हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसी से खेलते हैं भैया, मज़ा आएगा। खेल को तो देखिए। चल ठीक है, तू बोलता है तो खेल के देखते हैं, चल स्टार्ट करते हैं। तो अब ये सन आना चालू हो रहे हैं, अब वेट करते हैं, धीरे से आएंगे तब इनको कलेक्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, अब हमको हमने एक हिसाब लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या रखना है। तो सबसे पहले ये ज़ॉम्बी आ रहा है, इसको फ्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले आइसबर्ग लेटिस रखना पड़ेगा, ताकि वो ज़ॉम्बी कुछ दे तो हमको दे दे, ताकि हमारे पास काफ़ी सन हो जाएँ। तो अब यहाँ पर वॉलनट और टॉलनट की फौज रखनी पड़ेगी, और उसके पीछे बॉन्ग चॉय रख दिया ताकि अटैक होता रहे। ठीक है, सबसे पहले एम तो वही करना है कि सबको जगह वॉलनट और टॉलनट की फौज रख के उसके पीछे बॉन्ग चॉय रखना है, तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, देख बढ़िया है, अभी सही चल रहा है। हाँ भैया अभी तक तो सब सही चल रहा है, और उस जो फ्रीज हुआ था ज़ॉम्बी उसके आगे भी एक वॉलनट रख दिया है, अब वो उसे खा रहा है भैया। अब हमें टाइम मिल जाएगा ताकि एक बॉन्ग चॉय रखे, अब बॉन्ग चॉय इसकी खोपड़ी उड़ा देगा भैया। वाह मज़ा आ गया। देखिए अब सन बॉम आते जा रहे हैं और हमें सन मिलते जा रहे हैं भैया। ओए वैसे ये लेवल उतना हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही ह्यूज वेव आने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सब एक जगह मेरा बाकी है जहाँ पर मैंने वॉलनट या टॉलनट नहीं रखे हुए हैं, अब वहाँ पर भी वॉलनट रख दिया। अब ठीक है, बॉन्ग चॉय मेरे तीन जगह लगे हुए हैं, बस दो जगह और बॉन्ग चॉय लग जाए तो हमारा जो डिफेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देख अब इस कोन वाले ज़ॉम्बी को ये मुक्का मारेगा। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास पीछे पीछे रखना चालू करते हैं, वो इसलिए रख रहे हैं कि प्लांट फूड अगर आए तो इनके ऊपर यूज़ करके हम ज़ॉम्बियों के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो सभी को मार देगा। पिछले बार हमने देखा था ना पिछले लेवल पे कैसे मारा था। ठीक है, तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है। पूरे पावर टाइल्स के ऊपर में हम चाहें तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास की पूरी फौज लगा सकते हैं, ताकि ये ज़ॉम्बी आ जाएं तो एक भी हमारे पास अगर प्लांट फूड हुआ तो इनको तुरंत मार देंगे। तो एक प्लांट फूड तो आ गया, इसे अभी संभाल के रखते हैं जबकि एकदम एडवर्स सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है भैया, देखिए ये ज़ॉम्बियों को मारता जा रहा है, जब तक बॉन्ग चॉय है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है भैया। ऊपर से हमने वॉलनट और टॉलनट सब लगा दिए हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आराम से सिंपल सिंपल ही ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात ही नहीं हो रही है भैया। और देखिए हमारे पास 275 सन भी हो चुके हैं, हमें इतने कलेक्ट करने पड़ेंगे जितने कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से अटैक कर सकें भैया। देखिए बढ़िया है, अब तो हमारे पास काफ़ी सन हो चुके हैं, 400 सन के आसपास हो चुके हैं, पर देखते हैं कि ये कितना सन लेता है एक बार में। तो ये देखिए भैया अब रोबोट भी आना चालू हो गए हैं, तो EMPs का यूज़ कर सकते हैं इनको गिराने के लिए भैया, पर थोड़ा पास आने दीजिए ताकि बॉन्ग चॉय अपना काम करे भैया, ताकि हम इसे मारकर इसका भाजिया बना सके। ओए ठीक है, अब सही मौका है EMPs यूज़ करने का, बहुत बढ़िया, अब इसे ये मुक्का मार मार कर इसकी भजिया बना देगा, ये बढ़िया है। देख 700 सन हो चुके हैं और अब अच्छा खासे ज़ॉम्बी भी आना चालू हो रहे हैं, और हमारे पास इतना टाइम है कि इसकी पूरी लाइन लगा दें, ये जो स्लो करने वाले स्टेलिया है और साथ में आइसबर्ग लेटिस, ताकि वो स्लो भी हो जाए और फ्रीज भी हो जाए, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाए उनको खेल ख़त्म करने का। दो प्लांट फूड आ चुके हैं, ज़ॉम्बी की इतनी बड़ी फौज भी नहीं आई कि अभी हम प्लांट फूड यूज़ कर सकें। ठीक है, अभी सब बढ़िया चल रहा है, पर ये जो लेवल है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, अभी तक तो हाफ वे मार्क पहुँचे हैं और अभी इसको मारा है। देख ये डांसिंग ज़ॉम्बी निकालने वाला था, अब इसको मारने के लिए हम एक काम करते हैं कि तुरंत इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ करते हैं। ओह ये क्या हुआ, दो घटिया से ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसने प्लांट फूड ख़त्म कर दिया, ये गलत बात है, ऐसे में नहीं चलेगा, उस मशीन को मारना था और ये किसको टारगेट कर रहा है, ये सही नहीं है, मज़ा नहीं आया, ये क्या किया इसने। हाँ भैया यहाँ पर तो गलती हो गई, देखिए इसने तो ज़्यादा कुछ अटैक ही नहीं किया भैया, और ये उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, अगर हमारा लाइटनिंग रीड होता तो सब के सब एक ही बार में मर जाते हैं भैया, पर कोई बात नहीं। ठीक है, हमको पता नहीं था, पहला गेम है इसलिए छोड़ दिया भैया। देखिए अभी भी हमारे पास 1000 सन है,
तो उसे रोक लेते हैं भैया। और प्लांट फूट तो गया ही गया और सन भी चले गए भैया। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। अभी तो ये लेवल लगभग ख़त्म होने वाला है, देखिए थोड़ा दूर और है भैया, फिर एक यूज वेव आएगी उसके बाद खेल ख़त्म हो जाएगा। इतने से ज़ॉम्बी बाकी हैं, थोड़े थोड़े और आएंगे उसके बाद ये लेवल हो जाएगा भैया, यानी कि डे 19 ख़त्म होगा। ओ ये क्या, ये तो एक बड़ा ज़ॉम्बी है। अरे अचानक से बड़ा ज़ॉम्बी आया, तुरंत मारना पड़ेगा। पर ये तो घटिया सा प्लांट है भैया, ये छोटे छोटे ज़ॉम्बियों पर अपने आप को होशियारी मारता है भैया, अब समझ में आया। कोई अच्छा प्लांट नहीं है ये, क्योंकि देखिए ये तो बड़े प्लांट को छू भी नहीं रहा है, छोटे छोटे प्लांट्स को यानी कि छोटे छोटे ज़ॉम्बियों को अपना निशाना बनाता है और उन्हें तुरंत मार देता है भैया। ये गलत बात हुई ना। देखिए अब जल्दी से टैप करके उसे मारते हैं भैया, वरना वो खेल ख़त्म कर देगा। वो भी इतने बार में मर रहा है, बाप रे बाप, इतना अटैक करना पड़ रहा है तब जाके मरा है। पर ठीक है कोई बात नहीं, उस ज़ॉम्बी को तो तुरंत मार दिया। अब ऐसे ही करते हैं, मशीन के ऊपर हम प्लांट फूड यूज़ नहीं करेंगे भैया, जबकि इनके ऊपर अटैक करेंगे। एक प्लांट फूड और मिला है। देखिए कोई काम का नहीं है भैया, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ करने से तो उसको सबको मार देना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा भैया। ओ यहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जब से अटैक करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। देख इतने सारे एक साथ हैं, मशीन को तुरंत मारना पड़ेगा। अब जाके मशीन मरा है, ठीक है प्लांट फूड यूज़ किया, अब देखते हैं क्या होता है। 900 सन बाकी है, यानी 900 सन से हम इसको मार सकते हैं। ठीक है एक जगह मेरा वॉलेट, दो जगह वॉलेट ख़त्म हो गए, तुरंत ही उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना ये बचेंगे नहीं। ओ गलती हो गई, ओ ये क्या हुआ, हमारा बॉन्ग चॉय ख़त्म हो गया, बाप रे बाप। और एक जगह और बॉन्ग चॉय तुरंत मारा जा रहा है, और जल्दी करना पड़ेगा, ये गलती हो गई। हाँ भैया जब ह्यूज वेव आने वाली है तभी बड़ी मिस्टेक हो गई है, पर कोई बात नहीं हमने रिकवर कर लिया भैया। बाप रे ये क्या हुआ, ये सन ब्लास्ट हो रहे हैं, सन हमें मिल ही नहीं रहे हैं भैया। इतनी जल्दी टैप मत कीजिए, डरिए मत भैया, बस थोड़े ही बाकी हैं, जल्दी खेल ख़त्म करते हैं। देखिए प्लांट फूड तो तीन तीन है, तुरंत यूज़ करके इनको मारना चालू करते हैं। ये हुई ना बात भैया, तुरंत मर रहे हैं। ओ ये क्या हुआ, प्लांट फूड को खा लिया, हमारे प्लांट को खा लिया भैया। बाप रे यहाँ तो ये आगे आते जा रहे हैं भैया, कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से टैप कीजिए उसके ऊपर भैया। हमारे पास तो अब सन भी नहीं बाकी हैं जो अटैक कर सके। यहाँ एक बड़ी गलती हो गई, प्लांट फूड यूज़ किया लेकिन कोई काम का नहीं हुआ भैया, यानी कि अब समझ में आया मैग्नीफाइंग ग्लास उतना भी अच्छा नहीं है जितना हमने पिछले बार सोचा था। और यहाँ खासकर जब इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ किया जाए, प्लांट फूड से तो इसे ज़्यादा कुछ असर ही नहीं होता, और ज़्यादा लोगों को मार भी नहीं पाता है ये सही नहीं है। देख अब ये क्या हुआ, ये तो उछलता हुआ बहुत आगे जा रहा है, छोटा जो रोबोट है, अब इसको मारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बाप रे इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ किया तो भी कोई काम नहीं किया, लगता है अब ये मशीन चला के ही मानेगा। लॉन मोअर ने बचा लिया, वरना तो हमारा काम हो गया था। ओहो सन भी नहीं आ रहे हैं, वरना तो खेल ख़त्म हो जाता। ये देख अब छोटा रोबोट बाकी है, उसे भी खेल ख़त्म किया। आह अब जाके डे 19 ख़त्म हुआ, बाप रे बाप, बाल बाल बचे हैं। अरे बाप रे बहुत मिस्टेक हो गई, पर कोई बात नहीं, ठीक है डे 19 ख़त्म हुआ। हाँ भैया अब सिर्फ 5 लेवल बाकी है, उसके बाद हम ज़ॉम्बी बॉस से लड़ाई करेंगे भैया। देखिए डे 20 आने वाला है, यानी लेवल 20, तो देखते हैं लेवल 20 में हमारे पास क्या चैलेंज आता है भैया, और कैसे हम पूरा करते हैं। सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट द इंटेलिजेंट प्लांट। ओ भैया ये तो स्टार है भैया, स्टार वाले प्लांट है, ये तो बढ़िया अटैक करते हैं भैया, पिछले बार हमने देखा था काफ़ी अच्छे हैं ये भैया, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से हमको सनफ्लावर लेना पड़ेगा, बॉन्ग चॉय लेना पड़ेगा, और वॉलनट टॉलनट की फौज लगानी पड़ेगी। ये हम पीच भी जरूरी है, और फ्रीज करने के लिए हाइसबर्ग लेटिस भी रख लिया, इस बार हम उसको नहीं लेंगे भैया। पिछले बार मैग्नीफाइंग ग्लास को लिया था, बहुत पछताया था, इस बार वैसा नहीं करने वाला, लाइटिंग रेड रखेंगे भैया। तो सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं नॉर्मल टाइल के ऊपर भैया। देखिए ये दूसरा सनफ्लावर लग गया, अब वेट करते हैं ज़ॉम्बी कहाँ से आएंगे पता नहीं भैया। देखिए दो ह्यूज वेव आने वाली है, तो जो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ओ सनफ्लावर तो बहुत अच्छा अटैक कर रहे हैं भैया, सॉरी ये स्टार वाले भैया। देखिए स्टार वाले तो लगातार अटैक करके सबको मारते जा रहे हैं। एक जगह पहले वॉलनट रख दिया है भैया, ठीक है अब वेट करते हैं, एक जगह और टॉलनट रख सकते हैं, तो टॉलनट भी रख देंगे भैया। ये रखा टॉलनट, अब प्लांट फूड मिला है। अब वेट करते हैं थोड़े सन और आ जाएं, तब हम काम करेंगे भैया। देखिए मशीन भी आ रही है, ये गलत बात है भैया, ईएमपी यूज़ करना पड़ेगा,
ये रहा ईएम पीच, ठीक है अब मशीन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगी। और यहाँ पर एक जगह और वॉलनट हो गया, अब जल्दी से टॉलनट रखना पड़ेगा तब काम बनेगा भैया। देखिए ये जॉम्बी तो इतने जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं कि क्या बताएं भैया, ऊपर से ये उछलने वाले जॉम्बी वो कि बीच बीच में जा रहे हैं भैया, ये रोबोट्स ये गलत बात है भैया। देखिए यहाँ लाइटनिंग रीड रखना ही पड़ेगा वरना बहुत गलती हो गई भैया। ओ बाप रे ये तो बहुत पास पहुँचते जा रहे हैं और हमारे सन को ख़त्म कर दिया भैया, हमारे सन सनफ्लावर को ख़त्म कर दिया। बाप रे बाप अब क्या होगा, बाप रे अब ये तो बहुत जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं, अब पीछे में जो क्रॉस है वहाँ पर अब ये लाइटनिंग रीड रखना चालू करेंगे। बाल बाल बचे भैया, मुझे तो लग रहा था कि हम बचने वाले नहीं हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी भी आते जा रहे हैं और हमारे जो स्टार रखे हुए हैं वो बहुत पास ही रखे हुए हैं भैया। ऊपर से ये जो अटैक कर रहे हैं वो गलत बात है भैया, बीच में कैसे आ सकते हैं, बीच में हमने कुछ नहीं रखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो वहीं से ड्रॉप हो जाए, हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं भैया। ये क्या हमारा तो ई एम पीच से बच गया भैया, ई एम पीच यूज़ कर लिया, मैं तो भूल ही गया था ई एम पीच के बारे में। ओए हाँ आगे मैं भी देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है अब प्लांट फूड यूज़ करेंगे, अब मेन अभी तक यूज़ नहीं करना चाह रहे थे लेकिन अब करेंगे क्योंकि लाइटनिंग रीड है हमारे पास में, लाइटनिंग रीड सबको एक बार में ख़त्म कर देगा और कोई प्लांट इसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। इस लेवल के लिए ही लाइटनिंग रीड बना हुआ है क्योंकि वही है बेस्ट प्लांट जो कि इन लोगों को तुरंत मार सकता है। ठीक है हमने कई जगह लाइटनिंग रीड रख दी है और हमारे काम भी आएंगे, तुरंत प्लांट फूड यूज़ करते हैं और सबको मारते हैं। ये बहुत होशियारी मार रहे हैं छोटे छोटे रोबोट्स, इनको ईएमपी से ख़त्म करके इन्हें तुरंत ख़त्म करना पड़ेगा। और देख बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक ह्यूज वेव आ जाए और उसके बाद खेल ख़त्म। देख और तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ किया जो कि तुरंत तुरंत सभी जॉम्बियों को मारता जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब थोड़े बहुत जॉम्बी और बाकी हैं, इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। अब ह्यूज वेव आ ही गई और ये लेवल भी ख़त्म होने को है। हाँ भैया डे 20 भी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से ईएमपी यूज़ करना पड़ेगा। ये फिर से आ गया भैया और ये बड़ा वाला भी है तो ईएमपी जल्दी से यूज़ करके सबको गिराते हैं भैया, ये हुई ना बात। देखिए अब जल्दी जल्दी इन ज़ॉम्बियों को मारना चालू करते हैं और इसके साथ खेल ख़त्म हो गया और डे 20 भी ख़त्म हो गया भैया। वाह ये क्या मिला है भैया, एक ट्रॉफी है, पता नहीं क्या है, ये बायनोक्यूलर बना हुआ है। तो बायनोक्यूलर से क्या होगा, ओए देखते हैं ये क्या चीज़ है। मोवर लॉन्च, ओके अब इसको हम मैनुअल मोवर को लॉन्च कर सकते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, हमें मोवर को लॉन्च नहीं करना है, ये कोई काम का नहीं है, ये कभी यूज़ भी नहीं आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया देखते हैं इसमें हमको क्या चैलेंज मिलता है। डे 21 है भैया, ये जो डब्बे बने हुए हैं ये अच्छे हैं स्क्वायर भैया, प्रोड्यूस एटलीस्ट 5000 सन्स, नेवर हैव मोर देन 16 प्लांट, यानी कि 16 प्लांट होने नहीं चाहिए। ऊपर से हमको 5000 सन कलेक्ट भी करना है तो ठीक है, पहले इसके लिए सनफ्लावर और ट्विन सनफ्लावर तो बहुत ज़रूरी है। तो बॉन्ग चॉय ले लेते हैं, आइसबर्ग लेटिस ले लेते हैं, वॉलनट रख लिया, टॉलनट रख लिया, लाइटनिंग रीड रख लिया भैया। ओए रुक होगी मुझे थोड़ा डाउट है, एक काम करते हैं ईएमपी हमने नहीं लिया क्योंकि खूब सारे मशीन आने वाले हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं। एक काम करते हैं कि ईएमपी के लिए हमको कोई एक प्लांट को हटाना पड़ेगा, अब समझ नहीं आ रहा किसे हटाएं। एक मिनट भैया देखते हैं क्या हटा सकते हैं। तो इसको हटाकर ये रख दिया भैया, पर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, अगर हम ट्विन सनफ्लावर नहीं रखेंगे तो हम टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे भैया। तो एक काम करते हैं सबको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं जो टॉलनेट रखा हुआ है, अब क्या करें भैया। देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं मैग्नीफाइंग ग्रास रख लेते हैं क्योंकि हमारे खूब सारे सन होने वाले हैं, और ट्विन सनफ्लावर रख लेते हैं, अब ठीक है भैया अब खेलना चालू करते हैं। ओए ठीक है चल इस कॉम्बिनेशन से खेलते हैं, पहले नॉर्मल टाइल के ऊपर में ये रख दिया, यानी कि हमारा जो सनफ्लावर है, ठीक है वेट करते हैं, 15 ही रखना है, दूसरा भी रख दिया, अब वेट करते हैं, आने दे, ये दो ह्यूज वेव आने वाली हैं तो उसके हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइसबर्ग लेटिस रखिए, इसको फ्रीज कर देते हैं और अटैक करने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास रख लेते हैं। ठीक है अब इसमें दो ह्यूज वेव आने वाली है, यहाँ एक ट्विन सनफ्लावर रख लिया, इन चारों के ऊपर हमको ट्विन सनफ्लावर रखने पड़ेंगे तभी हमारा काम बनेगा। प्लांट फूड जैसे ही आएगा उसे इसके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा ताकि चारों के चारों खूब सारे सन दे दें। तो इन बॉक्सेस के ऊपर सबसे पहले ट्विन सनफ्लावर रखाने पड़ेंगे तभी हमारा काम बनेगा, और सबको एक लाइन में कम से कम हमको ये जो मैग्नीफाइंग ग्रास है वो तो रखने पड़ेंगे, उसके आगे हम वॉलनट रख देंगे। ठीक है भैया
ये प्लान मुझे सही लग रहा है। देखिए तुरंत ही उसको फ्रीज कर दिया है। अब ये आगे वाला आने वाला ज़ॉम्बी है भैया, उसको एक काम करते हैं कि एक वॉलनट रख के उसको भी रोक देते हैं भैया। अब ठीक है, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास अब सब जगह रखना चालू करते हैं। अब यहाँ पर हमको लगातार मिलते जा रहे हैं भैया ट्विन सनफ्लावर, एक जगह और रख देते हैं, एक जगह मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया। अब पाँच ही बाकी है भैया, पाँच ही प्लांट हम और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो अब बीच में ओ ये गलती हो गई, वहाँ पर उसको नहीं रखना था भैया, यहाँ पर भी हमको ये जो ट्विन सनफ्लावर है उसको रखना पड़ेगा भैया, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं है। ओए तूने सही कहा, मैग्नीफाइंग ग्लास को पावर टाइल्स में नहीं रखेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, और हमको अब जो सिंगल सनफ्लावर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी हटा दिया, ठीक है अब सही चल रहा है। देख अब तुरंत तुरंत हमको सनफ्लावर मिल रहे हैं, इसको हटा देते हैं। पावर टाइल के ऊपर केवल ट्विन सनफ्लावर रखने चाहिए, ये ठीक है। अब तुरंत ही एक बार टैप करके इसे मार देंगे, उड़ने वाला ज़ॉम्बी कितने देर तक टिकेगा। ये रहा अब पहला प्लांट फूड हमको मिला है, बहुत बढ़िया, पहला प्लांट फूड आखिर मिल ही गया, ठीक है अब हम तुरंत इसको यूज़ करना चालू करते हैं। देख इसको किया है तो ओ बाप रे, इतना सारे सन ही सन हो गए, वाह मज़ा आ गया, खूब सारे सन दिए हैं। अब तो हम तुरंत ही टैप करके इनको तुरंत मार सकते हैं, ये सही है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अब एक जगह वॉलनट बाकी था उसे भी लगा देते हैं, अब सही है, अब तो हमारे पास दोनों टारगेट आराम से पूरे हो जाएंगे। अभी दो यूज वेव से पहली यूज वेव आने वाली है, उसके पहले हमने काफ़ी सारे सन कलेक्ट भी कर लिए हैं। एक और हमको मिला है प्लांट फूड, एक और यूज़ करते हैं। तो देख खूब सारे सन एक साथ मिल रहे हैं, वाह मज़ा आ गया, और 3600 सन तो हमने ऐसे ही बना लिए हैं। अभी यूज वेव पहली आने वाली है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इन ज़ॉम्बियों को तो ऐसे ही मार देंगे हम। एक और प्लांट फूड मिला है, बहुत बढ़िया, पहले ये छोटे छोटे रोबोट्स हैं इनको ख़त्म करते हैं। EMPs भी है हमारे पास में, EMPs कम काम आएगा, उन्हें तुरंत ख़त्म करेंगे, लेकिन तुरंत ही इनको मार देने में आसानी होगी। तो ये रहा, बीच वाला ने तुरंत काम कर दिया, अब ठीक है, अब तो हमारा टारगेट भी पूरा हो गया, वाह अभी तक लेवल आधा ही हुआ है और हमारा टारगेट पूरा हो गया, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। अब कुछ नहीं करना है हमको, अब सिर्फ इन सन के सहारे में इनसे अटैक करना है। एक और प्लांट फूड मिला है, तुरंत इनको मारना चालू करते हैं। हाँ भैया ये लेवल तो बहुत ही अच्छा जा रहा है भैया, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो स्ट्रेटजी है बहुत सही काम कर रहा है भैया, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है भैया। मज़ा आ गया, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर बहुत सही काम कर रहा है, क्योंकि हमको खूब सारे सन भी चाहिए थे तो इसलिए इन मैग्नीफाइंग ग्लास को ज़रूरी था भाई लेना। देखिए अब ये बस मशीन बाकी है, इसको भी ख़त्म करते हैं, जिससे एक और प्लांट फूड मिला, प्लांट फूड ही प्लांट फूड है भैया, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने चाहे यूज़ कर सकते हैं। 3600 प्लांट्स फूड है, सॉरी भैया सन है हमारे पास में, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी मशीन है, इसके ऊपर भी तुरंत यूज़ करके इसको खेल ख़त्म करते हैं भैया, ताकि ये ज़्यादा ज़ॉम्बी ना बुला पाए। देखिए ख़त्म हुई कि नहीं, ओ अच्छा हुआ अब ख़त्म हो गई भैया, ये रहे अब बढ़िया भैया, अब कभी किसी भी वक्त में एक यूज वेव आ सकती है, उसके बाद ये लेवल ख़त्म हो जाएगा। ओए देखा ना कितने सारे सन हो चुके हैं, बाप रे बाप, इनको तो कभी हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, अगर हम सबके ऊपर अटैक करना चालू भी करें तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे, मज़ा आ गया, प्लांट फूड यूज़ करके तो खेल ख़त्म ही कर दिया। अब बस ये यूज वेव आई और कुछ ज़ॉम्बियों को हमको मारना है, बस इसके बाद खेल ख़त्म हो जाएगा। EMP यूज़ कर लेते हैं ताकि ये सब रुक जाए, हमको टाइम मिले और फिर हम खेल ख़त्म कर दें। देख अब तुरंत ही तुरंत मार के उसको ख़त्म किया, अब दूसरा वाला एक और बाकी है, इसको भी तुरंत ही मार मार के ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से वो भी ख़त्म हो गया, वाह अब थोड़े बहुत ज़ॉम्बी बाकी हैं, इनको भी टैप करके ख़त्म कर देते हैं और खेल ख़त्म हो जाएगा, और इसी के साथ Day 21 भी ख़त्म हुआ, मज़ा आ गया। वाह भैया अब सिर्फ 4 स्टेप दूर है भैया हम उस ज़ॉम्बी बॉस को हराने के भैया, बस Day 22, 23, 24 और उसके बाद फिर ज़ॉम्बी बॉस का लेवल आ जाएगा, तो बढ़िया है भैया मज़ा आ जाएगा। ओए हाँ Day 21 ख़त्म हुआ, दोनों टारगेट पूरे हो गए, मज़ा आ गया। अब देखते हैं Day 22 में हमको क्या चैलेंज पूरा करना है, तो वेट कर लेते हैं क्या आ रहा है। प्लान योर डिफेंस एंड डिफीट द ज़ॉम्बीज, ओके ठीक है भैया, इसमें तो बड़े बड़े ज़ॉम्बीज आ रहे हैं भैया, एक पावरफुल ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा भैया कि हम क्या कर सकते हैं। हमको 2200 सन मिले हैं, 2250 सन मिले हैं, तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो वॉलनट ले लिया, टॉलनट ले लिया भैया, ये पॉन्ग चॉय ले लिया, ऊपर से लाइटनिंग रीड लग लिया, EMPs की ज़रूरत पड़ सकती है भैया, तो इसे रख लेते हैं। और क्या ले सकते हैं, एक चेरी बम अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो उसे भी रख लेते हैं भैया।
और क्या ले सकते हैं, एक जगह और बाकी है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। चिली बीन भी रख लिया है भैया। ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब डिफेंस कैसे प्लान करें भैया सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन वॉलनट्स की एक लाइन लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी इसे क्रॉस ना कर पाए। ठीक है बस उड़ने वाले ज़ॉम्बी ही आएंगे उसके पीछे में। अभी काम करते हैं कि बॉन्ग चॉय रख देते हैं भैया। ठीक है बॉन्ग चॉय सबका सिर फोड़ देगा। अब जो पावर टाइल्स हैं उनके ऊपर में ये हम रख देते हैं भैया लाइटनिंग रीड। ठीक है अब सब जगह लाइटनिंग रीड भी हो चुके हैं। अब 500 सन बाकी हैं तो ठीक है 375 सन काफ़ी होते हैं भैया। अब हम खेलना चालू करते हैं, एडवर्स सिचुएशन आएगी तो उसी हिसाब से चेंज करेंगे भैया। 375 सन हमको रखने ही पड़ेंगे अपने पास में। ठीक है देखते हैं कि कैसे जाता है भैया। ओ यहाँ हमारे पास चार चार प्लांट फूड भी है। ठीक है तो काम चल जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो सब सही है, वैसे भी इस लेवल में कोई ह्यूज वेव नहीं है, एक ही है बस, वो भी सबसे आखिरी में आएगी। तब तक के बड़े बड़े ज़ॉम्बी मेरे ख्याल से लास्ट वाले ह्यूज वेव में ही आएंगे, बीच में तो आएंगे नहीं। ठीक है तब तक देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक तो कोई ज़ॉम्बी पास तक नहीं पहुंच पाया, एक ही बॉन्ग चॉय ने से मारा। बाकी ये जो बकेट हेड वाले हैं बस वही दिक्कत कर सकते हैं। हाँ भैया ये छोटे मोटे ज़ॉम्बी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस दिक्कत तो वो बड़े बड़े ज़ॉम्बियों की है भैया। वो EMP संभाल लेगा, मेरे ख्याल से EMP यूज़ करेंगे तो कम से कम फ्रीज हो जाएंगे भैया। और अच्छा है EMP केवल 25 का है भैया, तो हमारे काफ़ी सन भी बच जाएंगे भैया, काफ़ी सारे हम यूज़ कर सकते हैं। 375 है। देखिए इनको भी बॉन्ग चॉय ने तुरंत मार दिया भैया। पर ये क्या एक लाइन में इतने बकेट हेड आ रहे हैं भैया, इनको रोकना पड़ेगा और सोच समझ के रोकना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये लेवल तो काफ़ी तगड़ा है। देखिए भैया और वैसे भी खूब लंबा भी है भैया, तो अब यूज़ करना ही था भैया। अच्छा हुआ कोई बात नहीं, एक प्लांट फूड हमने यूज़ कर लिया है, चार यूज़ करने थे, जब सिचुएशन ख़राब हो तब करना पड़ेगा, और लगता है कि अभी सिचुएशन ख़राब थी इसलिए कर दिया भैया। ठीक है प्लांट फूड अपना काम कर रहा है और पूरे क्लाउड सबको ख़त्म करते जा रहे हैं भैया। ये सही हुआ भैया, सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब बड़े बड़े ये जो रोबोट्स हैं इनका हमको खात्मा करना है। देखिए अटैक तो हो रहा है, EMP यूज़ करके इनको घायल कर देते हैं भैया। जब तक बॉन्ग चॉय इनके ऊपर अटैक नहीं करता है, ये हुआ भैया। अब तुरंत ही EMP यूज़ करके इनको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं भैया, डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारा काम बन जाए भैया। देखिए तुरंत आते जा रहे हैं, बॉन्ग चॉय इन्हें मार रहा है, ये ठीक है भैया। अभी तक तो सब सही चल रहा है। देखिए और ये कितना सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और अब वो उड़ने वाला सॉरी वो जो हेलमेट वाला ज़ॉम्बी है वो भी आ रहा है। लगता है EMP तुरंत दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। देखिए भैया सबको डिसेबल करना पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा। और दो प्लांट फूड अभी भी बाकी है हमारे पास में भैया, एक उड़ता हुआ आ रहा है और तुरंत उसको यूज़ हो रहा है भैया। देखिए कितने सारे आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है भैया, EMP जल्दी यूज़ कीजिए। एक अभी पास आ चुके हैं, EMP का भी यूज़ करेंगे भैया, तुरंत ही इनको ख़त्म कीजिए। अब सही है भैया, देखिए बाप रे बाप ये तो बहुत पास आ चुके थे, ऐसा लग रहा था कि बचेंगे नहीं भैया। ठीक है अब देखिए कभी भी बड़ा ज़ॉम्बी आता होगा और ह्यूज वेव भी आता होगा भैया। देखिए अरे बाप रे इतने सारे आ चुके हैं और हमारे प्लांट फूड बस एक ही बाकी है और इन सबको मारना ज़रूरी है। तो ये हुई ना बात भैया, लगभग सब ख़त्म हो गए, बहुत बढ़िया। अब सभी ज़ॉम्बी ख़त्म होने को है भैया, बस अब थोड़े बहुत बाकी है। ये रहा अब बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ गया भैया, अब तो चाहे हम EMP यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब सिर्फ 75 सन बाकी हैं, यानी कि तीन EMP तो यूज़ कर ही सकते हैं भैया, सॉरी EMP 75 का है, एक ही यूज़ कर सकते हैं। अभी मजा से सोच रहा था 25 सन का है पर ये 75 का है भैया। ठीक है पर कोई बात नहीं, ह्यूज वेव आ गई है और अभी तक काम सब सही चल रहा है, ये ज़ॉम्बी भी ख़त्म हो गया है भैया। अब एक प्लांट फूड बाकी था उसे भी यूज़ कर देते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बी मर जाए भैया। ये क्या ये तो आंखों से लेज़र चला रहा है, पर ठीक है सबको ये क्लाउड मारता जा रहा है भैया। ठीक है देखते हैं इसको हम सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि खूब सारे ज़ॉम्बी हैं भैया, देखने से ही समझ में आ रहा है कि कितने सारे ज़ॉम्बी है। देखिए एक और EMP यूज़ कर लिया, 25 का ही है भैया, 75 का नहीं है सॉरी। ठीक है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पर ठीक है तुरंत ही इनको फ्रीज़ किया है ताकि हमें और प्लांट को और ज़्यादा टाइम मिले भैया, और तुरंत ही मारना चालू करें, प्लांट फूड मिल जाता तो मज़ा आ जाता भैया। पर लगता है अभी एक भी प्लांट फूड नहीं मिलेगा, फिर भी हमारा काम तो बन ही रहा है। देखिए काफ़ी पास आ चुके हैं पर ठीक है सब सही चल रहा है। अब तुरंत ही एक और EMP चूज़ किया और तुरंत ही ये मारता जा रहा है इनको भैया, लगता है हमारा काम बन जाएगा। लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहा है और इसके साथ में मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं। ओ देखिए उसने छोटा वाला ज़ॉम्बी छोड़ दिया है, वो आगे जाएगा भैया, देखिए उसको मारना पड़ेगा। ओ ये तो सबको बॉन्ग चॉय को भी मारता हुआ चला गया भैया, लगता है कि वहाँ पर हम बचेंगे नहीं भैया। ठीक है हमारे पास लॉन मूवर है,
तो उससे हम बच सकते हैं। उसको लॉन मोर तक पहुंचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा था रोबोट, वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि ये लेवल यानी कि डे 22 भी ख़त्म हो गया भैया, और हमारा लॉन मोवर चल पड़ा, और साथ में वो रोबोट भी ख़त्म हो जाएगा भैया, और इसी के साथ में हमारा डे 22 भी ख़त्म। क्या बात है भैया, मज़ा आ गया। एक ही लॉन मोवर चला लेकिन हो गया, और इसके साथ में हमको मिला है रोबोट का एक मुखौटा भैया, जिसमें हमको कुछ प्लांट अपग्रेड करने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट हमारे अपग्रेड होंगे। तो देखते हैं, पहले 100 हमको सिक्के मिला है, ठीक है। उसके बाद में ये टाइल टर्निप मिला है भैया, इसका ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, फिर भी रख लेते हैं, ठीक है। लेज़र बीन मिला हुआ है, ठीक है, ये अपग्रेड तो नहीं होगा पर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए भैया आगे करते हैं, प्लान और डिफेंस और डिफीट द ज़ॉम्बीज तो हो गया, अब देखते हैं डे 23 में हमारे पास क्या चले जाता है। ओए हाँ, मुझे लगा था वहाँ पर हम बचेंगे नहीं। नेवर हैव मोर देन 15 प्लांट और स्पेंड नो मोर देन 2250 सन्स। ओके, ये डिफ़िकल्ट है, ये मुझे आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको एक बार में 15 से ज़्यादा रखने नहीं है, और साथ में खर्चा भी नहीं करना है, 2250 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। ज़ीरो हाइसबर्ग लेटिस उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, लाइटनिंग रीड को यूज़ करना है ताकि उसको प्लांट फूड डालें तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। और इसमें भी कोई बड़ा ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं इसको सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। हाँ भैया, देखते हैं, अभी तक तो हमने इतना सब ले लिया है, अब क्या कर सकते हैं। बीच में क्या हुआ भैया, मुझे लगा कि राउंड स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आप ज़ॉम्बी को देख रहे थे कि इस टाइप के ज़ॉम्बी है, ओके ठीक है, देख रहे थे बड़ा ज़ॉम्बी है कि नहीं। तो यहाँ पर सनफ्लावर ले लिया है, और वेट करते हैं दूसरा सनफ्लावर रखने के लिए भैया। तो दूसरा सनफ्लावर भी इस पावर टाइल के ऊपर रख दिया है, पर हमको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है, आपको याद है ना भैया। देखिए डे 23 चालू हो चुका है और ज़ॉम्बी भी आना चालू हो गया है, अब लाइटनिंग रीड रखना पड़ेगा भैया। इन ट्रायंगल्स के ऊपर रखेंगे और उस डब्बे वाले के ऊपर रखेंगे भैया, ताकि एक ही प्लांट फूड पे हमारा काम हो जाए। ओए ठीक है ठीक है, चल देखते हैं। ज़ॉम्बीज आना चालू हो गए हैं, और उसे रोकने के लिए मैंने एक बार आइसबर्ग लेटिस भी रख दिया है। तीन तीन हमारे प्लांट हो चुके हैं और 9 जब बस बाकी है, 9 ही लेफ्ट है जैसे हम कर सकते हैं। तो ये रहा, अब स्टेलिया भी रख दिया ताकि ये स्लो हो जाए, ठीक है। अब चार चार सनफ्लावर लग चुके हैं, अब बीच में दो दो लाइटनिंग रीड हो चुके हैं, ठीक है। ट्रायंगल में सबसे पहले पूरा करते हैं, फिर स्क्वायर में पूरा करेंगे, तो ठीक है। स्क्वायर कम लग, रेक्टेंगल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन स्क्वायर ही टाइप का लग रहा है, ठीक है, जो भी है। चल ठीक है, स्टेलिया आना चालू हो गया है, ये ज़ॉम्बी बहुत पास आ चुका है, ये क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा, इसको बॉन्ग चॉय से मारना पड़ेगा। गलत किया, बॉन्ग चॉय रख दिया, लेकिन ठीक है चलेगा। अब देखते हैं इसको सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। पहली यूज वेव कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तुरंत ही यूज वेव के लिए इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ कर लिया, अब तुरंत दूसरा प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बॉन्ग चॉय रख दिया, ये ठीक है। अब सिर्फ 5 बाकी हैं, 5 प्लांट और रख सकते हैं, तो 3 जगह हमने बॉन्ग चॉय रख दिए, ये ठीक है। अब एक और प्लांट फूड मिल गया, दो दो प्लांट फूड, ये ठीक है। अब ट्रायंगल के ऊपर में हमने तो रखे हुए हैं लाइटिंग रीड, इसमें एक पे भी अगर प्लांट फूड यूज़ किया तो सारे के सारे ज़ॉम्बी बचेंगे नहीं, ये बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बस ये बीच बीच में छोटे छोटे बॉट्स आते जा रहे हैं, उनको मारना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी तक। हमारे 5 प्लांट और हम रख सकते हैं, एक जगह वॉलनट रख दिया है ताकि वो उनको रोके रहे, ऐसी दूसरी जगह भी हम रख सकते हैं। अभी देखते हैं 1100 और सन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। अभी तक तो रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा हम चाह रहे थे वैसी टाइप का चल रहा है। प्लांट फूड यूज़ किया, अब तुरंत ही सब ज़ॉम्बियों पर अटैक होना चालू हो गया, तीन तीन क्लाउड एक साथ, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। तो ये हुआ ना बात, अब हम ज़्यादा सन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारा काम बनता जा रहा है, ठीक है। तुरंत ही एक प्लांट फूड और यूज़ किया, अभी हमारे पास में 2 प्लांट फूड और बाकी है, सॉरी 1 फूड बाकी है, अभी एक और मिला है, तो ठीक है। अभी काफ़ी सारे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, यानी कि 2 प्लांट फूड अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख, आखिरी यूज आ ही गई जिसका इंतज़ार था, अब ज़्यादा कुछ ज़रूरी है ही नहीं, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है हमको, एक और प्लांट फूड मिल गया। अब तीन तीन प्लांट फूड है और इतने सारे आ रहे हैं, तुरंत एक में प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा, ये हुआ। अब देख जल्दी जल्दी मरेंगे ये, अब कितना देर बचेंगे, बहुत बढ़िया, बॉन्ग चॉय भी सबको मारता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉट्स तो तुरंत ही ख़त्म हो गए, अब एक बस बड़ा बॉट बाकी है, उसको भी वो क्लाउड ख़त्म कर देगा, और इसी के साथ हमारा ये लेवल भी ख़त्म हुआ। डे 23 आराम से निपट गया, हमने दोनों टारगेट उसके पूरे कर दिया, हमने ज़्यादा सन भी स्पेंड नहीं किए, और एक बार में 15 हमारे प्लांट भी नहीं थे, दोनों को चेक करते हुए हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है। अब डे 24 की बारी है।
हाँ भैया, T24 में देखते हैं हमारे पास क्या चले जाता है। चार स्क्वायर है, चारों काम हो जाएंगे और सर्वाइवल द ये जो सन बॉम्ब आएंगे उनको करना है भैया। तो इस बार सनफ्लावर तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो एक काम करते हैं, वॉलनट रख लिया, बॉन्ग चॉय रख लिया, ये काम आएगा, आइसबर्ग लेटिस। अब लाइटनिंग रीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है भैया, टॉलनट भी रख लिया भैया, ठीक है। अब देखते हैं क्या लेंगे, EMP रख लिया, अब एक ही बाकी है जिसका यूज़ करके हम खेल सकते हैं भैया। देखिए समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेंगे, तो ठीक है भैया एक ही बाकी है, कोई सा भी एक रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है भैया। ये रहा चैरी बम, एडवर्स सिचुएशन में काम आता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लाइटनिंग रीड रखना बहुत ज़रूरी है भैया, चारों ये जो चारों बॉक्स है उसके ऊपर में, ताकि हमारा काम बने भैया। देखिए वैसे भी हमको सनफ्लावर की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए हमको इन सन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा भैया। पिछले बार काफ़ी गड़बड़ी हो गई थी, वो इस बार हम नहीं चाहते भैया, अब आराम से खेलना होगा, एकदम देखते हुए खेलना है। लाइटिंग रीड रखना चालू कर दिया, चारों बॉक्स में से एक बॉक्स चेक हो गया है जिसमें लाइटिंग रीड रहेगा भैया, और प्लस वाले में भी लाइटिंग रीड रख देंगे, ताकि हम किसी में भी प्लांट फूड यूज़ करें तो हमारा काम बन सके भैया, ठीक है। टॉलनट और वॉलनट की पूरी फौज रख देंगे, ताकि ये ज़ॉम्बी ज़्यादा आगे तक ना जा पाए भैया। ठीक है, बढ़िया, और यहाँ पर आइसबर्ग लेटिस भी रख देते हैं, ताकि वो उनको फ्रीज करता रहे, ठीक है। अब बढ़िया चल रहा है, दो जगह यानी इस लेवल पे केवल दो ह्यूज वेव आने वाली है भैया, थोड़ा सा लंबा लेवल होने वाला है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा हमको। और एक जगह से ये जो कोन वाला ज़ॉम्बी है वो भी आना चालू हो गया, तो उसको रोकने के लिए वॉलनट रख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, आइसबर्ग लेटिस भी उसको फ्रीज करने के लिए रख दिया है, उससे हमको पहला प्लांट फूड मिलेगा भैया, उसे हमको संभाल के रखना पड़ेगा। चारों बॉक्स में हमने ये लाइटिंग रीड रख दिए हैं, अब प्लस वाले की बारी है, प्लस वाले में भी रख देते हैं, ताकि टारगेट भी होता रहे और हमारा काम भी बनता रहे भैया। देखिए अब एक और टॉलरेंट रख दिया है, अब बस एक ही जगह बाकी है जहाँ पर हमारा वॉलनट भी आ गया है। अब सब जगह टॉलनट या फिर वॉलनट आ चुके हैं, और अटैकिंग के नाम पे चारों बॉक्स के ऊपर हमारे लिए लाइटिंग रीड आ चुके हैं, अब प्लस के ऊपर रखना चालू करते हैं, ताकि हमारा जो पूरा है वो कंप्लीट हो जाए भैया, ठीक है, बढ़िया है। अभी तक हमने बॉन्ग छुआ एक जगह भी नहीं रखा है, फिर भी हमारा काम बन रहा है, ये सही हुआ, एक और प्लांट फूड मिला है, इसको रख लेते हैं, बढ़िया भैया। देखिए अब मशीन्स आना चालू हो रही हैं, EMPs का काम आएगा भैया, EMPs को जल्दी से यूज़ करके उसको कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो अभी प्लांट फूड यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा प्लांट फूड, यानी एक बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी ख़त्म हो जाएंगे, ये वाह भैया मज़ा आ गया, चार क्लाउड एक साथ तबाही मचा देंगे भैया, कोई ज़ॉम्बी नहीं बचेगा। बस इसी की कमी थी, देखिए पूरे के पूरे ज़ॉम्बी एक साथ ख़त्म हो गए, और इसके साथ एक और हमको प्लांट फूड मिला है, ठीक है। ये क्लाउड अभी भी अपना काम कर रहे हैं, बट अब ज़्यादा ज़रूरत है भैया, ये हेलमेट वाला ज़ॉम्बी आ चुका है, तुरंत ही एक और प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा, पर ठीक है अभी हमने EMPs यूज़ किया हुआ है, ताकि उसको फ्रीज करके उसके ऊपर अटैक कर सके। तो ये रहा हमारे प्लांट फूड, देखिए चार चार क्लाउड एक साथ और सभी ज़ॉम्बी एक साथ ढेर हो रहे हैं भैया, मज़ा आ गया, एक और प्लांट फूड मिला है, बहुत बढ़िया। प्लांट फूड ऐसे ही मिलते रहे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सारे के सारे ज़ॉम्बी एक साथ ही मरते जा रहे हैं भैया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चार चार जो क्लाउड है वो एक साथ अपना काम कर रहे हैं, सारे के सारे ज़ॉम्बी एक साथ मरते जा रहे हैं भैया, और हमारे पास एक ही जो प्लांट फूड है वो बाकी है, ठीक है, बढ़िया भैया मज़ा आ रहा है। अभी भी एक है, संभाल के रखना पड़ेगा, जब सिचुएशन एकदम ख़राब होगी तभी हम उसका यूज़ करेंगे भैया। देखिए और डांसिंग ज़ॉम्बी आ रहे हैं, आने दीजिए, अटैक हो चुका है, और सब जगह हमारे बॉन्ग चॉय भी लग चुके हैं भैया। देखिए ये मशीन आ रहे हैं, हम चाहे तो EMPs यूज़ करके उनको ख़त्म कर सकते हैं, या फिर प्लांट फूड यूज़ कर सकते हैं, तो प्लांट फूड यूज़ करके तुरंत ही उन हेलमेट वाले जो ज़ॉम्बी हों उनको ख़त्म कर रहे हैं भैया, सारे रोबोट्स वाले एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास एक भी प्लांट फूड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ह्यूज वेव आने के पहले एक प्लांट फूड और मिल गया है, वाह इसी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई भैया। ओ यहाँ मुंडा देख, आखिरी में ह्यूज वेव आ गई और इतने सारे ज़ॉम्बी भी आ गए, उसके साथ में हमने प्लांट फूड आखिरी वाला यूज़ भी कर लिया, अब देख इन ज़ॉम्बियों की कैसे चटनी बनती है, अब ये नहीं बचने वाले, इतने सारे क्लाउड उनको तुरंत ही मार देंगे, ये हो गया काम, और एक और प्लांट फूड मिला है, हम चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी यूज़ कर लिया, एक और मिल गया, वाह लगातार मिलते जा रहे हैं, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारा काम हो गया, क्या बात है, हमने इस लेवल को भी पार कर लिया, यानी कि अब फाइनल लड़ाई होगी ज़ॉम्बी बॉस के साथ में। ये टर्निप मिला है, जीरो सन का है, ठीक है, पावर टाइल की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है मज़ा आ गया, ठीक है अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब फाइनल हम लड़ाई करेंगे ज़ॉम्बी बॉस के साथ में, आ जा ज़ॉम्बी बॉस, देखिए तेरे पास कितना दम है।
हाँ भैया, इस लेवल का जॉम्बी बॉस, मजा आ जाएगा इससे लड़ाई करके भैया। देखें, इसको भी हरा कर हम अगले वर्ल्ड में प्रवेश लेंगे भैया, यानी एंट्री लेंगे। देखते हैं इसमें कितना दम है, और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक टिकेगा भैया, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा खेला हुआ इस लेवल पे भैया, और इसको हम आसानी से हरा देंगे। आने दो, कहाँ है जॉम्बी? इसका केवल पैर दिख रहा है, वो कहाँ पर है? वो आ गया भैया, देखिए ब्रेन वाले जो जगह है उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये टेक्नो वाला है, इसलिए मशीन से बना हुआ है भैया। ठीक है, देखिए पावर टाइल आ रहा है, तो देखते हैं इसको यहाँ लगा देते हैं। एक क्रॉस है, इसको यहाँ लगा देते हैं। ये सिट्रॉन है, सिट्रॉन का वेट करते हैं, पहले देखेंगे जॉम्बी कहाँ से आएंगे, फिर सिट्रॉन को वहीं रखना चालू करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है, तो उसके आगे सिट्रॉन रख देते हैं। ओके, यहाँ दो दो सिट्रॉन आ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको अटैक करने के लिए ये लेज़र वाला लगा दिया, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ये रख दिया भैया इन्फिनिट। ठीक है, वो जॉम्बियों को बचा रहा है, तो वहाँ पर एक और पावर टाइल यूज़ कर दिया। ये ठीक है, अब देखते हैं फ़ैन है, उड़ने वाले जॉम्बियों को फ़ैन से उड़ाएंगे भैया। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ भी एक सिट्रॉन रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। जॉम्बी लगातार आते जा रहे हैं और हमारे पास कोई सलूशन नहीं है भैया, ये दिक्कत हो रही है। अब प्लांट फूड मिला है, ये हुई ना बात, किसी की इंतज़ार थी, अब तुरंत ही इसके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। बाप रे बाप, तुरंत ही, ओह इतने सारे पास आ गए, इन्फिनिट नहीं होता हमारा काम हो जाता भैया, तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ये रहा प्लांट फूड, ठीक है सही टाइम पे आ गया, वरना तो इस बार खेल ख़त्म था भैया। तुरंत ही ब्लोअर यूज़ करके उस उड़ने वाले जॉम्बी को ख़त्म करते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है भैया। हमने सोचा था कि अच्छे अच्छे प्लांट हमको मिलेंगे और सही जगह उसको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है भैया। ये जो जॉम्बी है बहुत पास आते जा रहे हैं, पर इससे अच्छी बात यह है कि इसमें जो जॉम्बी बॉस है उसको बीच बीच में काफ़ी अच्छा अटैक हो रहा है भैया। देखिए अभी तक उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है और लगातार उसके ऊपर हमला भी हो रहा है भैया। ये हुई ना बात, एक और प्लांट फूड मिला है, उसे भी यूज़ कर लेते हैं। अब सिचुएशन ठीक है, शुरुआत में काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जॉम्बी बहुत पास आते जा रहे हैं, पर ठीक है उससे हमारा काम बना भैया। देखिए लगातार उसके ऊपर अटैक हो रहा है, ये हुआ ना बात भैया, जॉम्बी बॉस को लगातार अटैक हो रहा है। और वो ज़्यादा निकाल भी नहीं पा रहा है जॉम्बियों को भैया, उसका कांच भी क्रैक हो चुका है, देखिए ऊपर है उसमें से क्रैक भी आना चालू हो गया है। और ये बड़ा जॉम्बी आ रहा है भैया, बड़ा जॉम्बी के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा भैया। देखिए उसने तो एक प्लांट को ख़त्म भी कर दिया, पर हमारे पास रिप्लेसमेंट है। ठीक है, देखिए आने दीजिए जॉम्बियों को, और बीच वाले में तो बहुत सारे आ रहे हैं, और तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ किया, पर बड़े जॉम्बी को उतना असर नहीं हुआ है, तुरंत दूसरा प्लांट फूड भी यूज़ करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। देखिए वहाँ से भी जॉम्बी आ रहा है और अब अटैक होना चालू हुआ है, ये ठीक है। एक और प्लांट फूड मिला है, तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ करते हैं भैया। देखिए ये प्लांट फूड यूज़ किया और तुरंत सबके ऊपर अटैक हो रहा है, ये हुआ ना बात भैया। वो बड़ा रोबोट भी ख़त्म हुआ और इसी के साथ में जो जॉम्बी बॉस है उसका भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, और इस बार तो काफ़ी अच्छा अटैक कर रहे हैं भैया। अभी ये जॉम्बी बॉस मुझे उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लग रहा भैया, जैसे हमने पिछले जॉम्बी बॉस से लड़ाई की थी। इसको तो हम आसानी से हरा देंगे ऐसा लगता है भैया। अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। ओ यार मज़ा आ गया, ये लेवल पे तो आराम से हम कर सकते हैं। बस ये बड़े बड़े जो जॉम्बी एक साथ आ रहे हैं उसकी दिक्कत है, सिट्रॉन है संभाल लेगा, उसके साथ में अटैक भी हो रहा है। एक प्लांट फूड मिला है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक प्लांट फूड यूज़ कर दिया, सबके सब जॉम्बी एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। ये हुई ना बात, ये अब खोपड़ी वाला जॉम्बी आ रहा है, यहाँ पर एक और प्लांट फूड मिला है, तुरंत ही उसके ऊपर यूज़ करते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। ठीक है बढ़िया है, वो भी ख़त्म हो गया, और जॉम्बी बॉस तो हेल्थ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा मुझे पता नहीं था। ठीक है मज़ा आ रहा है, अब ये जॉम्बी तो थोड़े बहुत ही बाकी है, एक ने खतक खसकाया है, लेकिन ठीक है चल रहा है। अभी प्लांट फूड मिले तो हमारा काम बन जाए। देख कितने सारे जॉम्बी एक साथ हैं बीच वाले में, उसको खेल ख़त्म करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि उससे पहले ये जॉम्बी बॉस टिक पाएगा, क्योंकि उसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, किसी भी वक्त ये जॉम्बी बॉस ख़त्म हो सकता है। और आखिरकार उसने एक प्लांट फूड दे दिया और अपने जो जॉम्बी हैं उनको भी खेल ख़त्म कर दिया। अब ये हुई ना बात, अब तुरंत ही तुरंत उसके ऊपर अटैक हुआ है और जॉम्बी बॉस ख़त्म। वाह मज़ा आ गया, जॉम्बी बॉस ख़त्म हो गया इसका, और इसी के साथ में हमको दूसरे वर्ल्ड की चाबी मिल गई, मज़ा आ गया। अब दूसरे वर्ल्ड जाएंगे और वहाँ धमाल मचाएंगे, मज़ा आ गया, बढ़िया है। और ये रहा और ये था वीडियो, होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अरे भैया पहले देख तो ले अगला वर्ल्ड कौन सा है, डार्क एजेस है। ठीक है।